कोरोना तो पहले पाकिस्तान तो भारत टूरिस्ट वीजे ते भारत दे वक्त धार्मिक मंदिरों के दर्शन लई आए पंजाब के करीब पाकिस्तानी नागरिक भारत में फसे हुए हैं अते इना पाकिस्तानी नागरिका दे वीजे भी खत्म हो चुके हैं, जिस तो बाद लगातार ही इना पाकिस्तानी नागरिका वालों अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर के घर के बाहर बैठ के उन्हें अगे अपील की जा रही थी कि उन्होंने पाकिस्तान भेजा जाए, जिस दे चलते अज ही पाकिस्तानी नागरिक पाकिस्तान जा रहे हैं। इस दौरान इन्होंने पहले कोरोना के टेस्ट करवाए गए, जदों ये सारे नागरिक पाकिस्तान जान लगे तो उत्थे कोविड-19 की रिपोर्ट चैक करन तो कोविड-19 की रिपोर्ट पंजाबी होने करके उन्होंने वापस भारत में भेज दिया गया, तो रिपोर्ट उर्दू च या इंग्लिश च बनाने किया गया, जिस तो बाद हुण इन्होंने दोबारा कोविड-19 के टेस्ट किए जा रहे हैं। उत्थे ही मेडिकल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हुण इन्हों की रिपोर्ट इंग्लिश विच बना के भेजी जाएगी, तो जो कि इन्हों पाकिस्तान जाने किसी भी तरह की कोई मुश्किल ना आए। अमृतसर तो गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट, लाइव भारत। क्या नाम है? रिया राम। कहाँ से आए और कहाँ के रहने वाले? पाकिस्तान से आए हैं हम, यहाँ राजस्थान में रह रहे थे, अभी तो अमृतसर में रह रहे हैं। डीसी साहब के ये धन्यवाद है हमको भेजने के लिए, ऑर्डर दिया जो बॉर्डर पे आज गए थे तो उसने बोला है तो आपकी टेस्ट की रिपोर्ट लेके आ जाइए, जो पहले थी वो तो है पंजाबी में, जो हम समझ में नहीं आ रही है हमको। उन्होंने क्या बोला कि उर्दू में करा के, उर्दू में करा के लेके आओ फिर हम पास करेंगे। बॉर्डर पे आपके टेस्ट नहीं किए उन्होंने? नहीं नहीं, बॉर्डर वालों ने टेस्ट नहीं की। क्यों नहीं किए? उनके पास कोई वहाँ पे फैसिलिटी नहीं थी? नहीं नहीं कुछ नहीं थी, वो उसने बोला तो आपके डीसी साहब सारा काम। कितने लोग हो आप? लोग तो 51 थे, उसमें 5 आ गए वापसी में, उसके लिस्ट में नाम नहीं आया, अभी है 46। बच्चे कितने हैं साथ में? साथ में बच्चे तो जाम है, मैं मालूम नहीं है, बच्चे तो सारे आधे। आपको कहाँ पे भेजा गया टेस्ट कराने के लिए? अमृतसर में दुर्गा माँ के मंदिर में। दोनों सरकारों की तरफ से क्या कहना चाहिए? दोनों सरकारों को यही अपील कर रहे हैं तो हमको जल्द से जल्द भेजा जाए। भारत में आपके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है? भारत में ठीक ही हुआ है, हम यही अपील कर रहे हैं तो हमको वापस भेजा जाए। भारत पाकिस्तान, भारत ने आपको ले लिया है पाकिस्तान की तरफ से? हाँ हाँ, वो दोनों ही कहते हैं भले आ जाओ टेस्ट लेके फिर आ जाओ फिर पास कर देंगे। अभी इधर हैं गुरुद्वारा माता के मंदिर पे। आपको वहाँ से क्यों वापस भेजा गया? वापस इसलिए भेजा गया सर, वो हमारे पास जो वो लिस्ट थी ना इधर की डीसी साहब को दी थी, उसमें तो हमारा नाम था, जो उधर बॉर्डर पे गए तो उसमें नाम नहीं था हमारा, तो उन्होंने जब भेज दिया। कोरोना टेस्ट कल तो हमारे का इधर आए थे चेक कर गए थे, तो उसकी रिपोर्ट तो हमारे पास है, मोबाइल में भी है हमारे, और वो हमारे को तो उधर से लिस्ट से बाहर निकाल दिया, वो उन्होंने बोला लिस्ट में नाम नहीं है। बच्चे भी हैं आपके साथ, उनका भी टेस्ट किया गया? हाँ, उसका भी पूरों का किया गया, हमारा 5 फैमिली मेंबर हैं। आपके पास रिपोर्ट है तो फिर आपको वहाँ के लिए भेजा गया? मालूम नहीं है सर, वो उन्होंने को भी मालूम है, हमारे पास तो रिपोर्ट भी है, हम वहाँ गए थे, हमारा पूरा 51 आदमी का जत्था था, तो बाकी के जो है 5 मेंबरों को भेज दिया वापसी, बाकी के जो है आगे भेज दिया था। तो एक छोटा सा बच्चा दिख रहा है, ये क्या लगता है? ये मेरी बेटी है सर। इसका जन्म भारत में हुआ था? कहाँ पर हुआ? भारत में हुआ है सर। इसको लेकर नागरिकता लेकर प्रॉब्लम नहीं होगी आपके अगर पाकिस्तान में जाते हो आप? सर यही तो बात है, जो इसका तो पासपोर्ट बनना था, पासपोर्ट बन जाता तो कुछ नहीं था, तो मैं गया वहाँ पासपोर्ट बनवाने के लिए, तो उधर जो है ना एटीएम कार्ड से जो इसकी फ़ीस बच्चे की मांग रहे थे, मेरे पास तो एटीएम कार्ड नहीं था, तो मैंने बोला कैश बोलो तो कैश देता हूँ, नहीं तो बैंक की फ़ीस बोलते तो बैंक में जाके बैंक से लेके आता हूँ चलान, उन्होंने बोला ऐसे नहीं चलेगा, तो फिर मेरे को भेज दिया। मेरे पास इसका जो है प्रूफ भी है मेरे पास, जो उन्होंने तो वो ही बोल रहे हैं सर, हम तो लेना चाहिए ना, हमारी बच्ची है तो हम जाएंगे, हम उधर के नागरिक हैं, हमारी तो इधर जन्म हुआ है, तो हमारा घर बार उधर ही है, परिवार ही उधर ही है, ये देखो मैं गया था वहाँ एमबीसी भी, तो उन्होंने जब मेरे से सिर्फ यही है पासपोर्ट नहीं जमा किया उन्होंने बनाया। हम दोनों सरकारों से यही अपील करते हैं हमारे को घर भेजा जाए सर, पाकिस्तान गवर्नमेंट को यही कहते हैं और भारत गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं हमारे को जल्द जल्द घर भेजा जाए,
इधर हम परेशान हैं, लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, हमारे पास पैसे भी नहीं हैं जो हम इसका पासपोर्ट बनवा सकें जाके दोबारा भी। अभी भारत में आपके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, ठीक करा किया जा रहा है क्या? नहीं सर, ये तो गवर्नमेंट के हिसाब से तो कानून के हिसाब से तो ठीक ही है, लेकिन हमारे को तो घर भेजा जाए। गवर्नमेंट की तरफ से यही अपील करते हैं हम गवर्नमेंट से, जो हमारे को जल्द से जल्द घर भेजा जाए। ये जो पाकिस्तान से जो इंडिया में आए थे बिफोर कोविड, वो लोग यहाँ ठहरे हुए थे एक दो साल से, ये उनके टेस्ट किए जा रहे हैं आरटीपीसीआर कोविड के लिए। उनको पाकिस्तान कल जाना है, इसके लिए इनके 51 पैसेंजर के टेस्ट किए जा रहे हैं। और इससे पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया है 51। हम इसको इंग्लिश में करवा रहे हैं आज इंग्लिश में किया जा रहा है। हाँ, और इनको मोस्ट अर्जेंट करके आज रिपोर्ट बाय हैंड हम लेके इनको दे देंगे।